हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डेली करंट अफेयर सेशन इन विच वी विल कवर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज सो लेट्स बिगिन आवर सेशन आवर फर्स्ट टॉपिक इज पेन पिंटर प्राइज तो हम जानेंगे पेन पिंटर प्राइज के बारे में माइकल Rosen, अब ब्रिटिश children राइटर एंड परफॉर्मेंस poet, has been पेन the प्राइज Pinter Prize 2023. थ्री तो किनको दिया गया है 2023 का ये प्राइज ये इम्पोटेंट हो जाता है तो जो माइकल रोशन है जो कि ब्रिटिश चिल्ड्रेन राइटर है और परफॉर्मेंस पोएट है उनको दिया गया है पेन पिंटर प्राइज टू के लिए ये जो प्राइज है ये दिया जाता है राइटर को यूके आयरलैंड और कॉमनवेल्थ के जिन्होंने कमिट किया है की कि वो फियरलेसली एक्सपोजिट करेंगे ट्रूथ को लाइफ को माइकल रोशन के जो वर्क है इसके बारे में हम जान लें रोशन इज नोन फॉर इज एक्सेसिबल पोएट्री फॉर चिल्ड्रेन एंड इज थी ओफन टच ऑन सोशल पोलिटिकल एंड इथिकल इश्यू जो माइकल रोशन है इनको जाना जाता है इनके एक्सेसिबल पोएट्री के लिए चिल्ड्रेन के लिए जो ये लिखते हैं और जो थीम होता है ज्यादातर वो टच करता है सोशल पोलिटिकल और इथिकल इश्यू को उन्होंने पब्लिश किया है वन फोर्टी बुक से अधिक और वो चैंपियन है स्टाइल ऑफ राइटिंग में जो रिफ्लेक्ट करता है चिल्ड्रेन के एवरीडे वर्ल्ड को और वैलिडेट करता है उनके इमेजिनेटिव सिंकिंग को पेन प्रिंटर प्राइस के बारे में भी जान ले नेम्ड इन ऑनर एंड मेमोरी ऑफ इंग्लिश राइटर हेरोल्ड प्रिंटर दें प्रिंटर प्राइज इज अ प्रेस्टिजियस अवार्ड विच इज गिवन टू ए राइटर हु रिफ्लेक्ट ए फायर इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेशन टू डिफाइन द रियल ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ एंड आवर सोसाइटी ये जो पेन प्रिंटर प्राइज है इनका नाम ऑनर और मेमोरी पर इंग्लिश राइटर हैरोल्ड प्रिंटर के नाम पर रखा गया है पेन प्रिंटर प्राइज जो है ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि दिया जाता है राइटर को जो रिफ्लेक्ट करते हैं फायर इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेशन को जो डिफाइन करता है रियल रूट को हमारे लाइफ और हमारे सोसाइटी का इस्टेब्लिश किया गया था इसको 2009 में ये प्रीवियस विनर जो रह चुके हैं पेन प्राइस के इसमें आपके हनीफ कुरैसी को मिला था 2010 में सलमान रश्ती को 2014 में दिया गया था और लेमन सिसाई को 2019 में दिया गया था नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी तो हम जानेंगे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सिक्सटी फोर्थ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल का जो मीटिंग हुआ था ब्राजील पे कहां पे ये मीटिंग हुआ था इम्पोर्ट है तो जो सिक्सटी फोर्थ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल का मीटिंग था ये ब्राजील पे हुआ इस दौरान वन बिलियन डॉलर को अप्रूव किया गया कि डिस्पर्स किया जाएगा एड्रेस करने के लिए क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी और पॉल्यूशन इश्यूज है अडल डिसीजन जो इस मीटिंग के दौरान लिया गया जो टोटल फोर बिलियन डॉलर की बात कही गई है उसमें मिलियन डॉलर जो है वो एलोकेट किया जाएगा स्पेसिफिकली बायोडायवर्सिटी के लिए जिसका मकसद होगा सपोर्ट करना कंट्रीज को कि वो अपडेट करे अपने नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान को और पूरा करे जो टारगेट है कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क टू थाउजेंड थर्टी तक लेटिन अमेरिका एंड कैनेबियन रीजन रिसीव दी मोस्ट फंडिंग फॉलोड बाई अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिका और कैनेबियन रीजन है उसको सबसे ज्यादा फंडिंग मिला है उसके बाद अफ्रीका को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यू यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आर दी टॉप रेसिपेंट अंग दटींथ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर जीई एफ जो आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये टॉप रेसिपेंट है एटींथ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी में से ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के लिए न्यू ट्रस्ट फंड कॉल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड विल बी स्टैब्लिश टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनमिंग मोन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क और एक नया ट्रस्ट फंड जिसका नाम रखा गया है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड को स्टैब्लिश किया गया है ताकि सपोर्ट किया जा सके इम्प्लीमेंटेशन को कन्मिंग मोट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का जीएफ ग्लोबल इन्वायमेंट फैसिलिटी के बारे में हम जान ले जबकि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है इसको स्टेब्लिश किया गया था नाइनटीन नाइन्टी टू के रियो डिओ कॉन्फ्रेंस जो हुआ था आपका उस दौरान हेडक्वार्टर पे है तो वाशिंगटन डीसी पे है ये एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है ताकि टैकल किया जा सके वेरियस एन्वायरमेंटल इश्यू को इसका फंडिंग को प्रोवाइड किया जाता है पार्टिसिपेटिंग डोनर कंट्री के द्वारा और मोबालाइज किया जाता है रिप्लेनिशमेंट प्रोसेस के माध्यम से हर एक फोर ईयर पे इसके अगर हम फंड की बात करें तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज स्टॉकम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बर्ट मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी इन सब के लिए है अब हम कन्विंग मोन्टियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में भी जान ले इट इज अ ग्लोबल एग्रीमेंट एडोप्टेड एट दिफ्टीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू दू एन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जो आपका कन्विंग मोटियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ये ग्लोबल एग्रीमेंट है जिसको एडोप्ट किया गया था फिफ्टीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो आपका टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में मीटिंग हुआ था उस दौरान यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को लेकर इट सेट फॉ फोर गोल एंड ट्वेंटी थ्री टारगेट टू बी अचीव बाई टू थाउजेंड थर्टी टू एड्रेस दी बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस और इसने सेट किया चार गोल को और ट्वेंटी थ्री टारगेट को जिसको की अचीव करना है टू थाउजेंड थर्टी तक ताकि एड्रेस किया जा सके बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस को डिफ्रेम्बर एम्स टू रिस्टोर एंड कंजर्व इको सिस्टम रिड्यूस स्पीसीज एक्सटेंशन रिस्क मिटिगेट पॉल्यूशन प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिस एनालोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ये जो फ्रेमवर्क है इसका मकसद है रिस्टोर करना और कंजर्व करना इकोसिस्टम को रिड्यूस करना जो स्पीशीज का एक्सटिंक्शन है उसको मिटिगेट करना पोल्यूशन को प्रमोट करना सस्टेनेबल प्रैक्टिस को और एलोकेट करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ये फोकस कर रहा है जो आवश्यकता है इंटरनेशनल कॉपरेशन के उसके ऊपर भी और मॉनिटर कर रहा है जो प्रोग्रेस है उसको ताकि अच्छे से इसको ट्रैक किया जा सके और टैकल किया जा सके जो इश्यू है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कीम टू प्रमोट दी जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर तो जो स्कीम की बात कही गई है ताकि प्रमोट किया जा सके जुडिशियस यूज को फर्टिलाइजर का इसके बारे में हम जानेंगे पीआईबी को नीचे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स शेयर बाय प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड अ यूनिक पैकेज ऑफ इनोवेटिव स्कीम फॉर फार्मर जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक का है जिसको चेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसने अप्रूव कर दिया एक यूनिक पैकेज को इनोवेटिव स्कीम का फार्मर्स के लिए तो ये जो स्कीम है इसके बारे में हम जान ले इम्पोर्टेंट है ये स्कीम के बारे में हमें याद होना चाहिए पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन न्यूरिशमेंट एंड एम्यूरटेशन ऑफ मदर अर्थ पीएम प्रणाम अनाउंस इन बजट 2023-24 इट विल बी लॉन्च टू इंसेंटिवाइज स्टेट यूटी टू प्रमोट अल्टरनेट फर्टिलाइजर एंड बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर तो जो प्रणाम आपका स्कीम है पीएम प्रणाम स्कीम पीएम प्रोग्राम फॉर स्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन न्यूरिशमेंट एंड एवेल्यूरेशन ऑफ मदर अर्थ इसको अनाउंस किया गया था बजट 2023-24 पे इसको लॉन्च किया गया था ताकि इंसेंटिवाइज किया जा सके स्टेट या यूनियन टेरिटरी को जो प्रमोट करेंगे अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर को और बैलेंस यूज करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर का मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम एमडीए स्कीम ताकि प्रमोट किया जा सके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को गोवर्धन प्लांट का इंट्रोडक्शन ऑफ सल्वर कोटेड यूरिया यूरिया कोल्ड भी जिसको हम कहते हैं ये एड्रेस करेगा जो सल्फर डिफिशियंसी है सॉइल का और सेव करेगा इनपुट कॉस्ट को फार्मर्स के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फार्मर फार्म इनपुट आर बींग प्रोवाइडेड एज ए वन स्टॉप सोलूशन फॉर ऑल नीड ऑफ फार्मर अबाउट वन लेख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र हैव ऑलरेडी कम अप इन इन दी कंट्री जब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र है कन्वीनियंस के लिए फार्मर का फार्म इनपुट का प्रोवाइड किया जाता है वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर सारे जो नीड है फार्मर्स के अप्रोक्सीमेटली अभी वन लाख जो है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र को खोल दिया गया और में काम चल रहा है जिसकी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो जो अप्रूव स्कीम है ये मदद करेगा चुडिसियल यूज में केमिकल फर्टिलाइजर के लिए साथ साथ कम करेगा जो इनपुस्ट कॉस्ट है कल्टीवेशन को लेकर फार्मर्स के लिए ये जो इनिशिएटिव है ये बूस्ट करेगा फार्मर के इनकम को मजबूत करेगा नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग को रिज्यूमिनेट करेगा सॉइल के प्रोडक्टिविटी को और इंश्योर करेगा फूड सिक्योरिटी को नेक्स्ट टॉपिक हमारा शॉर्ट लाइफ हेलोजन तो हम जानेंगे शॉर्ट लाइफ हेलोजन के बारे में A new study री that डेट play प्ले crucial role रोल इन कूलिंग planet by releasing रिलीजिंग शॉर्ट लाइफ including chlorine, bromine and iodine. एक जो नया स्टडी है उसमें पाया गया है कि जो ओशियन है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कूल cool करने के लिए प्लेनेट को वो रिलीज करते हैं शॉर्ट लाइफ हेलोजेन को जिसमें कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है दिस हेलोजेन करेंटली कंट्रीब्यूट टू 8 टू 10 परसेंट ऑफ कूलिंग अ फिगर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज टू 18 टू 31 वन परसेंट बाई ट्वेंटी और ये जो हैलोजन है वो करेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं एट से दस परसेंट तक कूलिंग के लिए और ये जो फिगर है प्रोजेक्ट किया गया है कि ये इंक्रीज होकर एट्टीन से थर्टी तक हो जाएगा ट्वेंटी तक शॉर्ट लिव हॉलोजन के बारे में हम जान ले शॉर्ट लिव हेलोजन रिफर टू क्लोरिन ब्रोमिन एंड आयोडिन कम्पाउंड देट है रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ स्पेन इन दी एटमोसफेयर टिपिकली लेस देन 6 मंथ जो शॉर्ट लिव हेलोजन होता है ये रिफर किया जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जैसे कंपाउंड के लिए जिनका रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है एटमोस्फेयर में टिपिकली लेस देन सिक्स मंथ का इनका लाइफ स्पेन होता है दिस हेलोजन प्ले अ रोल इन अर्थ क्लाइमेट सिस्टम बाय कंट्रीब्यूटिंग टू कूलिंग एंड वार्मिंग इफेक्ट ये जो हैजेन है ये प्ले करते हैं एक रोल को अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम पे कंट्रीब्यूट करके कूलिंग और वार्मिंग इफेक्ट के दौरान नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्पर्टेम तो हम जानेंगे एस्पर्टेम के बारे में पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है द कैंसर रिसर्च आर्म ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर इज रिपोर्टेड सेट टू लिस्ट द आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पर्टम एज पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन जो कैंसर रिसर्च आर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा तो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर इसने रिपोर्टेडली है आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पर्टेम जो है वो पॉसिबली कार्सिनोजेनिक हो सकता है इफ कन्फर्म वुड गो अगेंस्ट प्रीवियस स्टडी देट है no और अगर कन्फर्म हो जाता है तो ये अगेंस्ट हो जाएगा प्रीवियस स्टडी के जिसमें कहा गया था कि कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है हार्म का एस्पर्टम को उपयोग को लेकर एस्पर्टम है क्या एक्सपल टर्म इज वाइडली यूज एज सुगर सब्सिट्यूट इन वेरियस फूड एंड बिवरेज प्रोडक्ट इन्क्लूडिंग डाइट सॉफ्ट ड्रिंक ट्विंग गम एंड ब्रेकफास्ट सीरियल सो एक्सपर्ट में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है शुगर के सब्सिट्यूट के तौर पर बहुत सारे फूड और बिवरेज प्रोडक्ट में जिसमें की डाइट सॉफ्ट ड्रिंक स्विइंग गम ब्रेकफास्ट सीरियल भी है आई एआरसी असेसमेंट डॉट टेक इंटू अकाउंट सेव कंज्शन लेवल विच आर डिटर्माइंड बाय ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव एंड नेशनल रेगुलेटर और जो आई असेसमेंट है ये नहीं अकाउंट में ले रहा है सेफ कंजम्पशन लेवल को जिसको कि डिटरमाइन किया जाता है जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव एंड नेशनल रेगुलेटर के द्वारा कुछ और जो एग्जांपल है आर्टिफिशियल स्वीटनर के एक्सपर्टेम के अलावा जैसे कि आपका शुक्रा लोर्स हो गया सैचरीन हो गया स्टीविया हो गया नियोटेम हो गया नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेट तो हम जानेंगे रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेट के बारे में अ न्यू सर्टिफिकेशन स्कीम एज वी लॉन्च इन इंडिया टू प्रोमोट रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक मैन्युफेक्चरिंग फर्स्ट ऑफिस का यह पहला इस टाइप का है एक न्यू सर्टिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया गया भारत में जो कि प्रोमोट करेगा रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक मैन्युफेक्चरिंग को इसकीम के बारे में हम जान लें डेवलप बाय डेब्रिटिस्ड इंस्टीट्यूट अ बिजनेस इंप्रूवमेंट एंड स्टैंडर्ड कंपनी एंड एएमआर इंडस्ट्री अलायंस वन ऑफ दी लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉलिशन दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जिसको डेवलप किया गया है जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जो कि एक बिजनेस इंप्रूवमेंट एंड स्टैंडर्ड कंपनी है और एएमआर इंडस्ट्री अलायंस जो कि आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉलिशन है जो प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए इसका मकसद क्या है टू एड्रेस इन्वायरमेंटल कंसर्न रिलेटेड टू एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बाय लिमिटिंग द रिलीज ऑफ एंटीबायोटिक रेसिड्यू इन टू वॉटर वे थ्रू इंडस्ट्रियल वेस्ट ये एड्रेस करेगा जो इन्वायरमेंटल कंसन है जो कि रिलेटेड है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर यह लिमिट करेगा जो रिलीज होता है एंटीबायोटिक रेसिड्यू का वाटर वेज में इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण क्या प्रोसेस है दी सर्टिफिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व थर्ड पार्टी वेलिडेशन टू मॉनिटर इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस थ्रू आउट दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है ये इन्वॉल्व करेगा थर्ड पार्टी वैलिडेशन को मॉनिटर करने के लिए इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस को पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान मैनुफेक्चर मस्ट डिमोन्स्ट्रेट इफेक्टिव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम टू ऑपट सर्टिफिकेशन और जो मैन्युफैक्चरर होंगे उनको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा इफेक्टिव एन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम को सर्टिफिकेशन लेने के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन होगा एंटीबायोटिक का वेस्ट स्ट्रीम पे वो बिलो होना चाहिए एक स्पेसिफाइड फ्रेस के ताकि प्रिवेंट किया जा सके जो एमरजेंस है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का एन्वायरमेंट में इसकी टाइम की अगर हम बात करें तो जो सर्टिफिकेशन होगा, होगा 3 ये वैलिड होगा थ्री ईयर के लिए और एनुअल सर्विलेंस जो है वो इंश्योर करेगा ऑनगोइंग गोइंग कंपाइलेंस को इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू एमआर इंडस्ट्री अलायस एंड बी एस आई के एमअप विद ऑफ एंटीबायोटिक मैनुफैक्चरिंग स्टैंडर्ड एंड लॉन्च दिस सर्टिफिकेशन टू इन्श्योर दियर इंप्लीमेंटेशन और टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में एएमआर इंडस्ट्री अलायंस और बीएसआई जो है वो आए एक सेट ऑफ एंटीबायोटिक मैन्युफेक्चरिंग स्टैंडर्ड के साथ और उन्होंने लॉन्च किया सर्टिफिकेशन को ताकि इन्श्योर किया जा सके इसके इम्प्लीमेंटेशन को द इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ एफर्ट टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल ड्रग प्रोडक्शन वाइल मिटिगेटिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक मैन्युफेचरिंग और ये जो इनिशिएटिव है ये पार्ट है आपका जो एफर्ट है प्रमोट करने का सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल ड्रग प्रोडक्शन को साथ साथ मिटिगेट करने का इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को एंटीबायोटिक मैन्युफेक्चरिंग के लिए यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है तो क्या रीजन है काउजेस ऑफ एंटीमाइबायोटिक रेजिस्टेंस का तो ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक पेशेंट जो वो नहीं लेते हैं एंटीबायोटिक को जितना उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है अननेसेसरी एंटीबायोटिक उपयोग किया जाता है जो एग्रीकल्चर पे जो पुअर इन्फेक्शन है कंट्रोल होता है हॉस्पिटल या क्लिनिक में पुअर हाइजीन या सैनिटेशन प्रैक्टिस या जो कमी है रैपिड लेबोरेटरी टेस्ट का ये सारे रीजन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के पीछे क्या कॉन्सिक्वेंस होता है इसका तो ग्रेटर नंबर हो जाता है एएमआर डेथ का करेंटली फाइव मिलियन डेथ होते हैं पर ईयर इसके कारण रूटीन ट्रीटमेंट जब वो रिस्क्योर हो जाता है पर्सन के लिए और इकोनॉमिक लॉस होता है स्टेप की अगर बात करें तो इंडिया के द्वारा जो स्टेप लिया गया जो चेन्नई डिकलेन है टू का यह प्रोमोट कर रहा है एंटीबायोटिक स्टीवरशिप को रेड लाइन कैंपेन हो गया और नेशनल माइक्शन प्लान हो गया एएमआर के ऊपर टू से टू लेवल में अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया प्रिवेंटिव मास्क मेडिकेशन को एनिमल के ऊपर उपयोग करने को लेकर एंटीबायोटिक या दूसरे ड्रग का यूएन का वन हेल्थ अप्रोच हो गया और डब्ल्यूएचओ का अवेयर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक हो गया तो ये सारे स्टेप है जो कि लिए गए ग्लोबली और नेशनल लेवल पे दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ हर एंड गिव अस योर वेल्यबल फीडबैक थैंक यू एंड स्टे